सरकार ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले सैमसंग गैलेक्सी वन प्लस ओप्पो वीवो और अन्य स्मार्टफोन वर्तमान में भारत में लाखों यूजर्स उपयोग करते हैं। ऐसे में गूगल समर्थित एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला है। साथ ही एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कमजोरी देखी गई, जिसके बाद भारत सरकार ने सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, गूगल द्वारा प्रत्येक अपडेट के साथ एंड्रॉइड में अधिक सुविधाएं लाने के साथ उपयोगकर्ता केवल कॉल और संदेशों के लिए फोन का उपयोग नहीं करते, बल्कि बैंकिंग, लेन देन, फोटोग्राफी, ऑनलाइन मीटिंग और अन्य के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फोन का उपयोग किया जाता है। इसके कारण ये डिवाइस आपकी कुछ जानकारी स्टोर करती है। ऐसे में यूजर्स की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गूगल समय समय पर सिक्योरिटी अपडेट रोल आउट करता रहता है। हालांकि टेक कंपनियां उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित और सुविधाओं से अनुभव दिलाने के लिए कंपनी हार्डवेयर की कंपनी उपयोग में आसानी के कारण विकल्प चुनते हैं। साथ ही ओएस द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी कुछ कमजोरियां देखी गई और भारत सरकार ने सैमसंग गैलेक्सी वन प्लस ओप्पो वीवो श्योमी और रियलमी और अन्य एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए ये चेतावनी जारी की है।